अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक जोड़ी है जो मेरे पास फॉर सेल के लिए आई है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक फुल वाइट फीमेल है और एक बड़ा मेल है, ब्रीडिंग मेल है, बहुत अच्छा परफेक्ट है, काफ़ी गर्म है, आप देख सकते हैं। तो ये एक जोड़ी है जो मुझे सेल करनी है, मेरे फार्म पे अवेलेबल फॉर सेल है। तो इनकी डिटेल मैं इंशाल्लाह वीडियो में आगे दूंगा, तो वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देखें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो फौरन उसका नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, ये बकरी और एक बकरा, ये दोनों फोर सेल है। बकरा जमनापारी के ऊपर है, आप देख सकते हैं, लेकिन कान जमनापारी के जैसे नहीं है, क्योंकि जमनापारी के कान चपटे आते हैं, इसके कान खोले पत्ते जैसे कान है। लेकिन माशाल्लाह बकरा काफ़ी अच्छा है ब्रीडिंग के हिसाब से, और ब्रीडिंग मेल जो होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और काफ़ी गर्म होते हैं, तो वो बहुत अच्छा और माशाल्लाह काफ़ी गर्म बकरा है, आप देख सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। बकरे की साइज़ बहुत अच्छी है, डबल हड्डी का है बकरा, और बकरा अभी चार दांत किया है। लगभग बकरे का वेट 60 kg लाइव वेट है, और काफ़ी पूरा वाइट है आप देख सकते हैं, और कान के ऊपर थोड़ा सी ब्लैक जैसे शेड आए हैं, और बकरा फुल वाइट है, जो उसके ऊपर कलर दिख रहा है वो गंदगी है, जैसे नया आया है और हम लोग ने उसे नहलाया नहीं है। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग बकरों को नहला नहीं रहे हैं, क्योंकि नहलाने से बीमार पड़ते हैं, और बीमार होने के बाद काफ़ी तकलीफ़ देती है जानवर। तो हम लोग को अभी ये सीज़न में हम लोग बकरों को बहुत कम नहलाते हैं सर्दी के मौसम में। आप देख सकते हैं बकरा और बकरी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, लेंथ दोनों की बहुत अच्छी है। बकरी की लेंथ भी आप देख सकते हैं फुल वाइट में है, और काफ़ी अच्छी लेंथ की बकरी है। ऐसी बकरियाँ बहुत कम आती है फुल वाइट में जो होती है। तो बकरी 6 दांत पे है अभी, आंचल भी माशाल्लाह उसके काफ़ी अच्छे। सफ़र करने के बाद जब ये बकरियाँ काफ़ी दूर से और हमारे पास जब आती हैं सफ़र करके, ट्रेन का सफ़र या जो भी हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है, तो वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। अगर वहाँ 50 kg का बकरा है या बकरी है, तो सफ़र के बाद कम से कम वो 4 से 5-6 kg वेट लॉस करते हैं, तो वो काफ़ी यानी दुबले हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये बकरा भी सफ़र के बाद पेट उसका अंदर है और पीलापन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें सफ़र के बाद होती है। इंशाल्लाह ये एक हफ्ता 10 दिन अगर आपके पास या हमारे पास सेट हो जाता है, उसके बाद ये अपनी रंगत पे आता है, और फिर आप उसे नहला सकते हैं, और उसका जो वाइटपन है, जो शाइनिंग है, वो नहलाने के बाद आपको पूरी दिखेगी। बकरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, अगर ब्रीडिंग के हिसाब से किसी को रखना है तो बकरा वो भाई भी रख सकते हैं, और सिंगल कोई को फीमेल लेनी है, अगर वो फीमेल लेना चाहता है, तो फीमेल की आप कान की लेंथ और जो उसकी बकरी की लेंथ है, सिंग है, सब एकदम परफेक्ट है माशाल्लाह। तो दोनों सिंगल सिंगल भी मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, अगर किसी भाई को लगता है कोई सिंगल मेल लेना चाहता है या सिंगल फीमेल लेना चाहता है, तो इंशाल्लाह उसको वो दोनों चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और रेट का जैसा है कि मैं कभी बताता हूँ कभी नहीं बताता हूँ, तो इस चीज़ का रेट आप इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे मैं बकरे का और बकरी के बारे में डिटेल आपको दे दूंगा कि इसकी क्या रेट है। और डिटेल तो ऐसा है कि बकरी 6 दांत पे है, बकरा 4 दांत पे है, बकरे का वेट लगभग 58 से 60 kg है, बकरी लगभग 45 kg प्लस है, क्योंकि बकरी का वेट हमने नहीं किया था, बकरे का लगभग करे हुए हैं। तो ये दोनों की वेट और दांत की डिटेल मैं आपको दे दिया हूँ, बाकी इनका रेट जो है मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सअप पे बता दूंगा, आप मुझे फ़ोटो भेज देंगे या व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करेंगे। बहरहाल आप कोशिश कीजिए, बकरा बहुत अच्छा है, और हमारी जो स्कीम स्टार्ट है अभी, माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी माल आए थे और सब सेल हो गए हैं। इंशाल्लाह कल मैं और 2 शिरोई बकरे आए हैं, काफ़ी हेल्दी और अच्छे बकरे हैं, हाइट में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह कल उनकी भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर किसी भाई को ब्रीडिंग मेल शिरोई में ब्रीडिंग मेल रखना है या लेना है, तो वो कल की मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो उनके काम की है, दोनों अच्छे मेल हैं। कल इंशाल्लाह मैं उनकी भी वीडियो डालूंगा। बहरहाल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में डालें, और
मेरी वीडियो को लाइक्स करें, क्योंकि काफ़ी लोग खाली वीडियो में कमेंट्स करते हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक भी करें। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। और बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।